कौन भगौड़ा कौन, नगर निगम परिषद की बैठक में उठने लगे सवाल। परिषद में मुद्दे पर बातचीत की जगह पर वाद विवाद के बाद बैठक निरस्त होने लगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, भगौड़ा कौन। क्या आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा नगर निगम। यहाँ इन दिनों काफी विवाद की स्थिति नजर आ रही है। विकास की बात छोड़िए, भगौड़े पर बातचीत आकर टिक गई है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो सदन के अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर आ रहा है, भगौड़े हैं महापौर, वहीं महापौर का कहना है भगौड़ा कौन, ये तो तमाम लोग जानते हैं। इन तमाम दावों के बीच में रीवा शहर की जनता पिस रही है। सुनिए पहले वेंकटेश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। जब से दिया गया पहले भी दिया जाता था, जिसमें तीन बार आज की जो वर्तमान महापौर जी हैं वो यदुनाथ तिवारी जी के साथ भी पार्षद थे, उसके बाद वो रिपुदमन सिंह जी के साथ भी पार्षद थे, उसके बाद वो सतीश सोनी जी के पास साथ ही पार्षद थे। 1999 में पहली जब परिषद यदुनाथ तिवारी जी स्पीकर बने थे, 2000 में वो अध्यक्ष के लिए नोटशीट चलाई गई थी, तब ये कहाँ थे। आज वर्तमान महापौर जी उस समय पार्षद थे, उसी दल से थे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में, उसके पहले ये स्थिति थी कि नगर निगम के कर्मचारियों को दो दो साल वेतन नहीं मिलता था। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके 6 महीने बाद रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला राज्य मंत्री बने, उसके बाद ही बनते उन्होंने रीवा नगर निगम को पहली राशि 2 करोड़ रुपये की भाई थी, चूँकि क्षतिपूर्ति में जहाँ आंकड़ा 2,46,00,000 का था, वहाँ करोड़ों रुपए चूंकि क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। तो निगम के विकास को देखते हुए निगम के हित में बात न करके, क्योंकि ये कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। जैसे भी सभी पार्षद लोग बोल रहे थे कि भूमि पूजन करते घूम रहे, मेहनत कम करते, पुराने काम है ये करते हैं, ये ओछी लोकप्रियता पाने का लगातार परिषद भंग हो गई। शर्म की कोई बात नहीं होगी कि खुद महापौर मेयर इन काउंसिल जो ये प्रस्ताव भेजते हैं वो परिषद छोड़ के चले गए। ये इतिहास में इससे बुरा दिन कभी नहीं आया होगा। मध्य प्रदेश में महापौर को अपने MIC के जो सदस्य है उनके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आरोप लगाने पहले नियम कुछ करने पहले नियम कानून देख लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था अच्छा अध्यक्ष की असंधि में, इस तरह के आरोप को लेकर के अगर मैं अध्यक्ष की असंधि में बैठूंगा तो मैं क्या निर्णय कर पाऊंगा, पहले मुझे बेदाग होना पड़ेगा। अब मैंने ये क्लियर किया है वहाँ पर कि आप बता दो मुझे वाहन की पात्रता है या नहीं। अगर पात्रता नहीं है, मैंने वाहन लिया है, जितने दिन मैंने वाहन रखा उसका ड्राइवर उसका डीजल जो भी है उनके खर्चे उसके साथ अधिभार लगा करके मैंने आयुक्त नगर निगम को चेक दे दिया है, ब्लाइंड चेक दे दिया कि इसको पूरा भर दो। फिर आया है हमारे कक्ष को लेकर सवाल उठाते हैं कि अध्यक्ष दो दो कक्ष लेके बैठे हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एयर कंडीशन की हवा खाने ऊपर किस कमरे में नहीं आया हूँ, मुझसे जनता आती है मिलने, नेत्रहीन आते हैं, विकलांग रहते हैं, शिथिलांग रहते हैं, वो ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। ये परिषद भवन है, नगर निगम नहीं है। परिषद भवन जब परिषद का है तो आयुक्त से मैंने बोला कि परिषद भवन में परिषद अध्यक्ष को नीचे बैठने की जगह दे, मुझे दो कक्ष का शौक नहीं है। हाँ, आपने परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे क्या कुछ कर, निश्चित रूप से काफी गंभीर आरोप है। अब इस गंभीर आरोप को लेकर हम महापौर से बातचीत करेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। वो भगौड़े हैं क्या, रीवा का विकास नहीं करना चाहते, उनको रीवा की जनता ने चुना है रीवा के विकास के लिए, किस तरीके से विकास करेंगे, या रीवा के नगर निगम में कुछ इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा या कुछ विकास की बातें भी होंगी। तो बात करते हैं रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा से, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। तीसरा, हम भगौड़े किसको कहें, भगौड़े सिंधिया जी को कहें कि उन विधायकों को भगौड़ा बोल दें जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, कि उस परिषद अध्यक्ष को भगौड़ा बोल दें कि जो 2004 में कांग्रेस के पार्षद थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, विचारधारा है, हम विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, जो उनकी नीतियां हैं उसके विरुद्ध अगर कोई भी ऐसा काम होगा
तो वो चाहे भगौड़ा बोले चाहे कुछ भी बोले, परिषद अधिनियम से चलती है। भारतीय जनता पार्टी के जो परिषद अध्यक्ष हैं, पहली बात उनको अपनी गरिमा का ख्याल ही नहीं। पहला परिषद अध्यक्ष मैंने अभी तक में देखा है, तीन परिषद अध्यक्ष हमारे सामने आए कि जो अक्षम में परिषद चलाने। परिषद अध्यक्ष 45 पार्षदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। पर ये परिषद अध्यक्ष ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक रीवा के राजेंद्र शुक्ला के रिमोट से चल रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला ने जितना सिखाया उतना जाकर उन्होंने बोल दिया। राजेंद्र शुक्ला की जमीन खिसक गई है, आठों विधानसभा रीवा हार रही है, लोकसभा हार रही है। इस बौखलाहट को लेकर इन लोग परिषद को नहीं चलने देना चाह रहे थे। एजेंडा किसका था? एजेंडा था लीज रेंट का, एजेंडा था जो हमारी ज़मीनें पड़ी हैं उसका, एजेंडा था जो हमारी दुकानें पड़ी हैं उसको बेच के उसका किराया लेने का। 8.5 करोड़ रुपए का वित्तीय का मामला था। अगर वास्तव में उनको ये लगता कि डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, बार बार विकास की बात करते हैं, तो वो कल परिषद को अच्छे से चलवाते। 24/9 को हम लोगों ने मायसी से पास कर दिया, 18/10/2022 को एजेंडा जारी हो गया परिषद का, आज दिनांक तक आप परिषद नहीं चला पा रहे हो। अगर तो सुना आपने, पहले हमने आपको सुनाया वेंकटेश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अजय मिश्रा बाबा नगर निगम के महापौर, रीवा के महापौर, रीवा के प्रथम नागरिक ने क्या कहा, अब आपको ही तय करना है इस लड़ाई में नुकसान किसका होगा। रीवा की जनता का निश्चित रूप से, रीवा की जनता का नुकसान होगा। भगौड़ा कौन, अभी आप देख रहे थे, हमारी नज़र इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। नगर निगम में जो भी ताज़ा तरीन घटनाएँ होंगी वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।